सिंपल फंडा है, मैं कोई इसमें झूठ और सच नहीं बोलता हूँ, सीधा मुंह पे बात करता हूँ। मैं मौका परस्त लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ाता हूँ। मौका परस्त जो लोग है, जो जो लोग साथ निभाने वाले लोग होते हैं, जो दिल से ऑनेस्ट होते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। राखी को तो मैं बोलता हूँ, राखी नीच इंसान है, तो कैसे लोगों को आप सपोर्ट करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जो आप खुद ही आप यूएसए में वीजा लेने के लिए आप कह देती हो कि भारत में खतरा है, और वहां से यूएसए के लिए वीजा के लिए अप्लाई करती हो, ठीक है, और तब आपके भारत में ही आप उसके बाद ब्रेड एंड बटर के लिए भारत में ही तलाश करती हो। तेरे को दिखाऊं और दुनिया के सामने तेरे को तमाचा मरवाऊं? ऐसे झूठे लोगों को क्या आप लोग सुनते हो? तो तुम भी तो दूध की डोली नहीं हो, बोल तो सकता हूँ, तुमने ऐसी कोई गलतियां नहीं की होगी। आओ तुम फ्रंट पे आओ, इंट्रोडक्शन दो अपना, तब तो जनता भी बताएगा कि तुम्हारे में तुम कितनी दूध की डुली हो। दूसरे को बोलती हो दूध की डुली है, डुला नहीं है, तो तुम दूध की डुली हो। काकी ने मेरे पर एलिगेशन लगाया है, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। अबे मुस्लिम है, तूने एक हिंदू का लाइफ बर्बाद कर दिया, ठीक है, एक मेरा लाइफ बर्बाद किया, मैं हिंदू था, अब दूसरे को इन्वॉल्व करके मैं राखी को डायरेक्ट साथ जाके नहीं दे सकता हूँ। राखी के साथ कभी आपने देखा कि मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, राखी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ? नहीं, मैं कभी भी, राखी ने बोला भी था, मैं बोला नहीं, मैंने जिसके साथ अच्छा किया तो अच्छा कहेगा ना यार। तो ये कहां से मतलब हो गया कि एक इंसान, राखी बोल रही है कि हाँ ये बंदा गलत है, और राखी ड्रामा करती है तो हम बोलते जाए कि हाँ ये गलत है। आप लोग बात वही फिर से रिपीट करता, राखी सही बोलने से वो बंदी गलत है, फिर भी मैं उसे सही बोलूं, ये आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, तो ये गलत है। और राखी को कभी भी क्लारिफिकेशन, मैं अपने बात पे अटिक हूँ, कभी भी आपको क्लारिफिकेशन चाहिए, आप कहीं भी मुझे कहीं भी किसी भी चैनल पे बिठा लेना, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा, और मेरा जवाब यही होगा। कह रहे हैं जिसके साथ आपने